मंगवा के दिखा देना माफी, मंगवा के दिखा देना माफी, मैं पूरी विधानसभा में घूमूंगी। फिर वही चैलेंज है, कोई रोक के दिखाए, कोई रोक के दिखाए। क्या वाकई बॉर्डर्स पे जो बैठे किसान लफंगे हैं, या आपसे कहा गया था इत्तेफाक से, या वाकई आज भी उसी पैडामेंट हैं आप उस बयान पे? मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी आज तक, बताइए कभी मैंने किसी को गाली दी है तो। अब आपको कहीं मेकअप दिख रहा है मेरे फेस पे, कहीं दिख रहा है? कहीं मेकअप दिख रहा है आपको मेरे फेस पे? आप कहें तो मैं पानी से मुंह धो के दिखाती हूँ। आप सोनाली फोगाट घटिया नचनिया हो जाती है, और ये लोग कुछ भी करते रहे, ये तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, गलत मानसिकता के लोग हैं ये। पहले तो आप गालियां निकालते हो, दंगे फसाद करते हो, फिर उनके पैरों में पड़ते हो, जाके माफी मांगते हो, केस वापस ले लो। सोर्सेज हमारे बता रहे थे कि आपने भी कोई कंप्लेंट कोई दी है मौके या लिखित उन लोगों के खिलाफ जो फेसबुक पे आके आपको चैलेंज कर रहे हैं, या कोई कंप्लेंट आपकी तरफ से गई? वो लोग देखिए फेसबुक पे जो आते हैं वो लोगों का मुझे लगता है कोई वजूद ही नहीं है। जिगरा रखते हो ना लिखने का, तो पोस्ट को डिलीट, कमेंट को डिलीट मत करना। वो लोग मुझे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आप भी मेरी उम्र के ही होंगे, क्या आपने अपना काम छोड़ दिया? आपको कहीं से मैं लाठी पकड़ी हुई दिखाई दे रही हूँ, हाय मेरे में बुढ़ापा आ गया, मुझे काम छोड़ देना चाहिए? ये उखाड़ना कोई मतलब मैं गलत नहीं समझती इसको, उस चीज़ से ज़्यादा जो एक आदमी को नंगा कर दिया जाता है। बरवाला की विधायक को मैं क्यों कहूँगी? आपको लगता है कि कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहिए, थोड़े से लोग ठंडे हो जाएं, या ऐसे ही एजेंडा जारी रहेगा? क्यों ब्रेक लेना चाहिए? जो लोग मुझे कहते हैं नचनिया 500 रुपए में आ जाएगी, 200 रुपए में आ जाएगी, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ किसके घर में आके मैंने नाच गाना किया? कोई उड़ता तीर नहीं लिया, वो कहा गया था जिन लोगों के लिए कहा गया था उन्होंने कह दिया, कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कहा गया था जिन्होंने जो उस दिन घेराव किया था, नारेबाजी की थी, उनके लोगों के लिए, उनके संदर्भ में इनका कहना है कि उनके संदर्भ में था, किसान के लिए इन्होंने नहीं कहा था। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बेबाकी से अपने कमेंट जरूर लिखे नीचे। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की नेत्री और आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट हैं। सोनाली फोगाट कई मर्तबा सुर्खियों में रह चुकी है, दो दिन पहले ही एक बार फिर से सुर्खियों में आई, उनसे बात करेंगे, पूरा देश इनको आजकल देख रहा है। और सोनाली बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो हरियाणा में कहावत होती है वो तीर उड़ते हुए कई बार वो हाथ में ले लेते हैं लोग, उस वक्त क्या सीन था जब ये कहा गया कि ये तो लफंगे हैं, और आपने पूरा उनका एक क्या कहते हैं सीन क्रिएट कर दिया, अभी ये कौन लोग हैं कैसे हैं, आपने पूरी थ्योरी दे दी एक कि भाई ये लोग हैं वो? मैंने किसी किसान को नहीं कहा ये, मैंने उस व्यक्ति को लफंगा कहा है, और रोज कहती रहूंगी जिसने भारत माता की फोटो तोड़ी है वो मेरे लिए लफंगा ही है, वो शराब। आपने कहा कि आपसे पूछा तो मेरा उनसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, जो मान लीजिए आप पे हमला हुआ या कोशिश की कि इसको बंद कराया जाए या विरोध किया, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन आपने बॉर्डर्स पे जो लोग बैठे हैं उनके संदर्भ में कहा कि भाई वो लफंगे हैं, उनका आपने एक लॉजिक दिया अपने ढंग से कि इसलिए लफंगे हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो इस तरह के लोग हैं ये जो हैं, तो उनको उनके संदर्भ में ये कहा गया आपकी तरफ से, तो उसके बाद में प्रदेश भर में नाराजगी बढ़ गई, लोग फेसबुक पे आके कमेंट्स कर रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं, लोग अपनी अपनी बाइट्स दे रहे हैं और सेल्फी टाइप में जो अपने वीडियो सेल्फी होती है वो डाल रहे हैं, भला बुरा भी कहते हैं उस पर भी हम नहीं जाते, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि क्या वाकई बॉर्डर्स पे जो बैठे किसान लफंगे हैं, या आपसे कहा गया था इत्तेफाक से, या वाकई आज भी उसी पैडामेंट हैं आप उस बयान पे? देखिए मैंने ये कहा था ये जो लोग आए हुए हैं ये लफंगे हैं, और जो बॉर्डर पे बैठे लोग हैं, हर गांव से 4-6 व्यक्ति या 4-6 लोग ऐसे होते हैं जिनमें शराब पीने वाले लोग भी होते हैं, और जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, और बॉर्डर पे बैठे लोगों में से भी ऐसे लोग हैं जो बंगाल की लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, अमृतसर में एक लड़की पाई जाती है। उसमें क्राइम तो किसी 3-4-5 लोगों ने किया, तो उसमें क्या सभी लोग दोषी हैं क्या? मैं उन्हीं को कह रही हूँ, मैं सभी लोगों को कभी नहीं कहा, मैंने कभी मैंने किसान का नाम लेके कभी नहीं कहा, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी आज तक, बताइए कभी मैंने किसी को गाली दी है तो। अगर भारत माता की फ़ोटो तोड़ने वाले व्यक्ति को मैं लफंगा कह देती हूँ, तो उसके बदले में या उससे पहले इन लोगों ने मेरे लिए क्या क्या शब्द कहे, आप सबके पास रिकॉर्ड है इस चीज़ का, पहले उसका जवाब दें मुझे। मैं अगर लफंगा कह देती हूँ भारत माता की फ़ोटो तोड़ने वालों को, तब मैं गुनहगार हो जाती हूँ, सोनाली फोगाट घटिया नचनिया हो जाती है, और ये लोग कुछ भी करते रहे, इनके हर कृत्य उचित है, इनको क्या कहेंगे हम? ये तो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, गलत मानसिकता के लोग हैं ये, इनको मतलब ये तो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ही अधिकार है, हमने धरना दे दिया
तो हम लठ के जोर पे सारी कुछ कर लेंगे और इनको कुछ नहीं करने देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता तो कायर है, बुजदिल है, बोलता ही नहीं है। उनको मैं कह देना चाहती हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता बुजदिल और कायर नहीं है, वो शांति चाहता है, वो शांति से अपना काम करना चाहता है। कहना चाह रहे हैं कि आपने पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए वो इस्तेमाल किया था, बजाय कि आप सामूहिक रूप से, आप ये कहना? बिल्कुल, मैं तो उसी उन्हीं व्यक्तियों के जो सुंडावास में हमला करने आए थे ना, उन लोगों के लिए है ये, हमेशा यही कहती हूँ। मेरे पिता खुद किसान है, मैं किसान को गाली क्यों निकालूंगी? बार बार कहते हैं तू किसान का दिया खाती, किसान तेरा पेट भरता है। उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, मेरा पेट मैं खुद भरती हूँ, मैं खुद मेहनत करती हूँ, मैं खुद काम करती हूँ जब मेरा पेट भरता है। मेरे खेत में भी खेती होती है, अनाज जो उगाता है किसान तो उसका पैसा लेता है, वो फ्री में किसी घर बोरी डाल के नहीं आता अनाज की। आपने कहा कि भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं वो सही नहीं है, तो सरकार का फेलियर नहीं लगता आपको कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होती है, सरकार कुछ कर नहीं पाती है? पहले आपने कहा कि विनोद खन्ना ने भी उनके घर पर प्रदर्शन हुआ, फिर मनीष ग्रोवर के वहाँ हुआ, वो कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो माफ़ी मांगते गए बराबर। तो क्या लगता है आपको, सरकार का फेलियर है कहीं? देखिए, मैं पहले तो इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, पहले तो आप गालियाँ निकालते हो, दंगे फसाद करते हो, फिर उनके पैरों में पड़ते हो, जाके माफ़ी मांगते हो, केस वापस ले लो, फिर प्रदर्शन करते हो, समाज का भाईचारा खराब। सरकार भी वापस ले लेती है केस? नहीं लेना चाहिए, जो लोग गलती करते हैं वो केस वापस नहीं, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। या तो वो लोग ये हरकतें दोहराए ना, अगर फिर दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं तो केस क्यों वापस हो? अगर गलतियां फिर दोहराई, अगर इंसान एक बार गलती करे फिर उसकी माफ़ी मांग ले और वो सुधर जाए तो ठीक है, अगर वो सुधरता ही नहीं है, वो बार बार गालियाँ निकाल रहा है, बीजेपी की बैठकों में तोड़ा फोड़ी कर रहा है, तो उनको ये अधिकार किसने दिया? बिल्कुल नहीं केस वापस लिए जाएंगे। अगर हम लोग केस करते हैं अभी, तो वो केस वापस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कुछ भी कोई भी मुझे आके कह दे। कुछ लोगों ने फेसबुक पे ये भी कहा, आपके उसी लफंगे वाले बयान पे कहा, कहते भी अब सोनाली जहां मीटिंग करेंगे हम उसको रोकेंगे और माफ़ी मंगवाएंगे जैसे पहले लोगों से मंगाई है, आपके पास भी जानकारी आई होगी? मंगवा के दिखा देना माफ़ी, मैंने किसी किसान को गलत नहीं बोला है, किसान तो मेरा साथी है, किसान तो वो थे बुढ़ाक वाले परसों जिनके लिए मैं खड़ी थी, जिनके पानी की समस्या लेके मैं खड़ी थी, वो है किसान मेरे लिए। किसान की हमेशा इज्जत करते हैं, किसान परिवार से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन लफंगों की इज्जत नहीं करती जो भारत माता की फ़ोटो तोड़ते हैं। अगर किसान ज़िम्मा लेते हैं इस चीज़ का कि हमने भेजा था उनको, ये हमारे आंदोलन का हिस्सा है फ़ोटो तोड़ने के लिए, भारत माता की फ़ोटो को खंडित करने के लिए हमने भेजा था, तो मैं उनके लिए भी यही शब्द कह सकती हूँ। अच्छा, कुछ सोर्सेज हमारे बता रहे थे कि आपने भी कोई कंप्लेंट कोई दी है मौखिक या लिखित उन लोगों के खिलाफ जो फेसबुक पे आके आपको चैलेंज कर रहे हैं, या कोई कंप्लेंट आपकी तरफ से गई? वो लोग देखिए, फेसबुक पे जो आते हैं वो लोगों का मुझे लगता है कोई वजूद ही नहीं है, वो पहले कमेंट लिखते हैं, फिर जब कंप्लेंट की जाती है तो डिलीट करते हैं, अपना अकाउंट तक बंद कर लेते हैं, तो उनके अंदर इतनी वो काबिलियत है ही नहीं कि वो सामना कर सके इस चीज़ का। या तो आप लिखो मत, लिखते हो तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। आज सुबह की मेरी पोस्ट है, उस पर कुछ लोगों ने मेरे लिए गलत चीज़ें लिखी हैं, तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ उसको डिलीट मत करना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इतना जिगरा रखते हो ना लिखने का, तो पोस्ट को डिलीट, कमेंट को डिलीट मत करना, इस बार जवाब मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सोनाली फोगाट अपना घर से समय निकाल के हल्के में देती हैं, इलेक्शन लड़ा आपने और लोग कई लक्ष्मी भाई भी कह देते हैं आपको, मुझे उस दिन देख रहा था वीडियो, किसी ने कमेंट किया हुआ था, तो बड़ा वक्त आप लगाती हैं हल्के में, चलिए आप नहीं जीत पाई उसके बावजूद आप वक्त लगाती हैं, अपना बिजनेस भी आपका चलो चलता है, आप एक्टिंग में भी हैं, आप कलाकार भी हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, शौक है आपने भी, मैं आपका देख रहा था लाइव, आपने बोला था अभी हर किसी को अपना निजी हक है, वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी के कैसे भी गुजारे, एंटरटेनमेंट भी होता है, परेशान कौन लोग हैं, क्यों हैं? देखिए, ये तो हमेशा से ही होता है, दूसरे की खुशी में परेशानी कई लोगों को हो जाती है, ये वही लोग हैं जो दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, और हर इंसान के जीवन में सुख दुख चलता रहता है, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव है, जब खुशी होती है तो खुशी जैसे जैसा माहौल होता है, जब दुख होता है परिवार में कोई चीज़ ऐसी होती है तो सब होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों को दुखी करना ही उनका काम होता है, उनका कोई काम नहीं है। हर आदमी अपना काम करता है, हर किसी का अलग अलग प्रोफेशन है, मेरा जिस तरह से मैं अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो आजकल जो समय मैं अभिनय के लिए निकालती हूँ, और उसमें से ये सोशल मीडिया की ऐप्स जो आई हुई हैं,
है उसमें तो मैं रोज वक्त निकाल लेती हूँ, क्योंकि तुरंत मौके पे ही हम वीडियो बना सकते हैं। वही कह रहा हूँ, आप एंटरटेनमेंट भी करती हैं लोगों का, उसके बावजूद लोग क्यों जेलस होते हैं? देखिए, जिनको एंटरटेनमेंट मुझसे नहीं चाहिए वो लोग मुझे ना देखें, लेकिन जिनको चाहिए, मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आपने देखा होगी 2-2 मिलियंस मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ आते हैं, 2-2 मिलियंस में लोग मुझे देख रहे हैं अभी, देश भर में, विदेशों में भी देखते हैं। तो मैं उनके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं वीडियो बनाती हूँ जैसे भी, जिस परिधान में बनाती हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है, और मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ। किस गाने पे बनाऊँगी, किस परिधान में बनाऊँगी, ये मेरी स्वतंत्रता है। आपको मैं नहीं रोकती, आपके घर में जाके मैं नहीं देखती कि आपकी माँ बहनें क्या करती हैं, आपकी बेटियाँ क्या करती हैं, मैं तो उनको नहीं कहती। मैं जब मेरा सोशल वर्क या मेरा राजनीतिक फील्ड के कोई काम होते हैं, उस समय मैं हमेशा आपको भारतीय परिधान में मिलती हूँ। कभी भी मैंने कभी वेस्टर्न कपड़ों में नहीं मिली होगी मैं आप, कभी भी मेरा पॉलिटिकल कार्यक्रम वो भी आप पहन सकते हैं, आपका अधिकार है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि सरकार की तरफ से कोई आपके पास फ़ोन आया, कोई कहा सुनाली क्या करते हो, छोड़ दिया करो, क्यों एंग्री होते हो, क्यों गुस्सा करते हो, किसी ने समझाया आपको? नहीं 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 समझाने, मैं गलत करूँगी तो कहेंगे ना मुझे, कोई किसी का फ़ोन नहीं आया मुझे, क्यों कहेंगे मुझे? इतना तो मुझे मेरे अंदर समझ है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के मंत्री हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टॉर्चर करेंगे, उन पर लाठी चलाएंगे, और भारत माता की फ़ोटो और हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की, मुखर्जी की फ़ोटो तोड़ेंगे, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री मुझे थोड़ी डांटेंगे? मैं उनका जवाब दूँगी, तो उनको तो गर्व होगा मुझ पर कि मैं हौसले से काम कर रही हूँ, अपने कार्यकर्ता साथियों को संभाल रही हूँ। सोनाली फोगाट एक छोटी सी बात कहती है, हिट हो जाती है। आपने पिछले दिन दुष्यंत के लिए बात की, दुष्यंत आए थे, वो चले गए थे, किसान देखते रह गए थे, आपने कहा भी क्या उखाड़ लिया, वो बड़ा हिट गया आपका बयान। मैं हिट इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोगों ने फॉलो किया। आपके साथ में जब चीज़ें होती हैं तो क्या दूसरे नेताओं को नहीं फ्रंट पे आना चाहिए, जब आप उनके लिए आती हैं, आप उनके लिए बात कहती हैं, उनको डिफेंड भी करती हैं, आप पार्टी अलायंस समझ लीजिए आप जिस तरह भी है, तो क्या उनसे कोई उम्मीद रहती है कि वो लोग भी आएँ, कम से कम आपकी बात रखें, आपके पक्ष लें, आपके साथ खड़े दिखाई दें? देखिए, मेरे साथ मेरे जितने फॉलोअर हैं सब साथ हैं, जिनका मन हो मेरे साथ आएँ, जिनका मन नहीं हो वो ना आए बेशक, लेकिन हमारे लिए जो सम्मानित पदों पर बैठे हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके विषय में अगर गंदी बातें बोली जाती है तो कम से कम हमारा इतना कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को हम जवाब दें। और मैंने कोई गाली निकाल के जवाब नहीं दिया था, ये कहना, मैं किसी को गाली नहीं निकाल रही थी कि डिप्टी सीएम का आपने क्या उखाड़ लिया, ये कोई गाली तो नहीं है, हम बोलते हैं ऐसे। क्या आप अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करते कभी जब आपको गुस्सा आता है? ये उस बात का जवाब था जब बीजेपी के विधायक के डबवाले में कपड़े उतारे गए थे, ये उस बात का जवाब था। उससे घिनौना तो शब्द नहीं है, ये जो ये इतना घिनौना काम उन लोगों ने किया था, ये उन लोगों के लिए थी ये बात। और ये उखाड़ना कोई मतलब, मैं गलत नहीं समझती इसको, उस चीज़ से ज़्यादा जो एक आदमी को नंगा कर दिया जाता है। नीम के थाना के पूर्व विधायक अभी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी गाड़ी तोड़ दी थी, क्या किया था भाई उन्होंने? वो क्या उनसे कुछ कहने गए थे या उनको गाली निकाली थी? अभी आपने जिक्र किया बरवाला के विधायक का, जोगीराम सिंह का, तो आप क्या कहना चाह रहे थे कि वो टारपीडो कर रहे हैं, मतलब आपके एजेंडे को आपको ख़राब कर रहे हैं? मैंने तो जोगीराम सिंह का नाम नहीं लिया। बरवाला के विधायक का, मैंने जो एस सी साहब ने मुझे बोला ना कि मुझे विधायक का नाम लेके, उन्होंने कहा उनसे पूछिए जाके ना, आप उनसे पूछेंगे अगर तो वो आपको पूरा डिटेल में बताएं। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ के विधायक फला आदमी, उन्होंने कहा है कि ये काम को कभी नहीं करना है। वही कह रहा हूँ, विधायक तो जोगीराम ही है ना, वो आप समझ लीजिए कौन है। मैं किसी के उस पर मैं नहीं कहना चाहती, बात रखना चाह रहे, नाम नहीं लेना चाह रहे। मैं किस लिए नाम लूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? मेरा काम था एस सी से, मैं बरवाला के विधायक को मैं क्यों कहूँगी? मैं तो सरकारी अधिकारी को कहूँगी ना, एक आम आदमी के नाते, एक किसान होने के नाते और किसान की साथी होने के नाते, मैं उनसे जवाब मांगूंगी कि आप किस बेस पे इस फाइल को रोक रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं क्या आप? दूसरा ये था कि मीटिंग्स आपकी ऐसी जारी रहेंगी जैसे आप कह रहे थे, मतलब कोई आपको लगता है कि कुछ टाइम ब्रेक लेना चाहिए, थोड़े से लोग ठंडे हो जाएं, या ऐसे ही एजेंडा जारी रहेगा? क्यों ब्रेक लेना चाहिए, कौन सा गुनाह कर रहे हैं हम? ये मैंने नहीं कहा कि आपने गुनाह किया, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहती हूँ, क्यों ब्रेक लें हम, क्या गुनाह कर रहे हैं हम लोग? अब हम
तिरंगा यात्रा निकालेंगे 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, और एक दिन मेरे विधानसभा की तिरंगा यात्रा भी होगी। देश के झंडे को लेकर निकलूंगी मैं, पूरी विधानसभा में घूमूंगी, फिर वही चैलेंज है कोई रोक के दिखाए। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं आप, जो लोग फेसबुक पे आके आपको बहुत सारी मतलब काउंटर कर रहे हैं कि भाई सोनाली ने ये कह दिया, तो वो आते हैं और किसानों की तरफ से कुछ कहा जाता है, वो तरफ से होता है, किसानों ने कोई अपॉइंट नहीं किया है? देखिए, किसान का मैं हमेशा सम्मान करती हूँ, करती रहूँगी। मेरे दादा 80 साल की उम्र तक खेत में काम करते रहे, मेरे पिता आज भी खेत में काम करते हैं, इसलिए किसान का सम्मान है। वो लोग मुझे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आप भी मेरी उम्र के ही होंगे, क्या आपने अपना काम छोड़ दिया? यानी अपना भी नहीं चाहिए, इन लोगों की कहने के हिसाब से मेरा काम छोड़ देना चाहिए। आपको कहीं से मैं लाठी पकड़ी हुई दिखाई दे रही हूँ, हाय मेरे में बुढ़ापा आ गया, मुझे काम छोड़ देना चाहिए। जब मेरे दादा ने 80 साल की उम्र में काम नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ दूँ? तो एक दिन आपने कहा भी था मेरा तो नेचुरल ग्लो है। बिल्कुल, मैं कल ही कह रही थी। अब आपको कहीं मेकअप दिख रहा है मेरे फेस पे? कहीं दिख रहा है? कहीं मेकअप दिख रहा है आपको मेरे फेस पे? आप कहें तो मैं पानी से मुंह धो के दिखाती हूँ आपको, ताकि लोगों को पता चले मैं कोई मेकअप नहीं करती। एक कोल्ड क्रीम तो ज़रूर लगा लेते हम, स्किन ड्राई ना हो। लेकिन ये लोग बार बार ये चीज़ें कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लाल कपड़े पहने। अरे कलर तो कोई भी इंसान चूज़ करता है, कोई भी पहन लेता है, और जब वो नहा धो के ही हर जगह निकलता है। जब हम भाई ऐसे ही निकलेंगे, मैं बिना नहाए धोए निकलती हूँ तो भी टिप टॉप लगती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये लोग कहते हैं घमंड हो गया। घमंड क्या हो गया? भगवान ने जो कुछ दिया है वो भाई है हमारे पास, अच्छा घर परिवार दिया है, अच्छी पर्सनैलिटी दी है, अच्छे नैन नक्स दिए हैं, तो आपको क्यों जलन? अब मैं अभिनेत्री हो गई हूँ तो आपको क्यों जलन? देश भर मुझे जानता है, आपको क्यों जलन? मुख्यमंत्री से ज़्यादा आपके व्यूज आते हैं वीडियोज़ पे, तो ये करिश्मा जो है ये क्या मतलब, आप क्या समझते हैं क्या करिश्मा? देखिए, कलाकारों के लिए बहुत सारे लोगों के मन में सम्मान होता है, पर कुछ कई बार कहते हैं ना घर वालों को ही जलन हो जाती है। तो अपने यहाँ जो मौजूद है ना प्रदेश के लोग, कुछ महिलाएं ऐसी जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जिन पे रिस्ट्रिक्शन है, जिनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको जलन हो जाती है। तो व्यूज इसलिए आते कि मैं अभिनेत्री हूँ, मैं पर्दे पे दिखती हूँ, इसलिए लोग पसंद करते हैं। बार बार कहते हैं वीडियोस बनाइए, वीडियो पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, ना पसंद करने वालों की कम है, और पसंद करने वालों की ना भी हो तो मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी, ये मेरी हॉबी है। अभिनय क्षेत्र में इसलिए हूँ कि अंदर से मेरा नेचुरल है ये सब चीज़ें। जब इंसान जिस फील्ड में जाना चाहता है वो नेचुरल भगवान बना के भेजता है, वो नेचुरल आ जाती है। जैसे आप इस प्रोफेशन से जुड़े तो आपका मन होगा कहीं ना कहीं मुझे तो पत्रकारिता में ही जाना है, मैं और बिजनेस नहीं करूँगा, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आपके मन में आया होगा। आपको बड़ा मज़ा आता होगा अपने काम में, मुझे भी मेरे काम में बड़ा मज़ा आता है। कोई कुछ कहता रहे, क्यों फ़र्क पड़े मुझे? अपने घर की रोटी खाती हूँ, अपने मेहनत की कमाई खाती हूँ, इज्जत के साथ रहती हूँ। कोई अगर मुझ पर उंगली उठाता है तो उसका जवाब भी देती हूँ, सुनती नहीं हूँ कभी। इसलिए मैं 2 बात कहना जानती हूँ, इसलिए वो ये लोग ये कहते हैं और कहते रहेंगे। उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी औरतें हैं, माँ है, बेटियाँ हैं। और हरियाणा में बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ आज बॉलीवुड में काम कर रही हैं, क्या उन लोगों से पूछना चाहती हूँ? और आगे पता नहीं कितने परसेंट लोग हरियाणा से जाएंगे, फिल्म सिटी बनने की बात चल रही है, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? अभिनय क्षेत्र में कितने सारे ऐप्स आ गए हैं, ऐप्स के माध्यम से कमाई कर रहे हैं लोग, तो इसको अपना प्रोफेशन बनाने के लिए जल्द से जल्द लोग आएंगे, तब क्या होगा इन लोगों का? ये लोग तब नहीं बोलेंगे क्या? और जो लोग मुझे कहते हैं नचनिया 500 रुपये में आ जाएगी, 200 रुपये में आ जाएगी, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ किसके घर में आके मैंने नाच गाना किया, कौन से स्टेज पे किया मैंने? मैं सिर्फ पर्दे के लिए करती हूँ, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, मैं पर्दे के लिए करती हूँ। किसी के यहाँ मैं पैसे में नाचने नहीं जाती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन अभिनय है। अभिनय के लिए मैं, चाहे मेरे को बॉम्बे जाके काम करना पड़े, चाहे हिसार में रह के काम करना पड़े, मैं पर्दे के लिए काम करती हूँ। मेरा नाचना गाना है वो पर्दे के लिए है,
लाखों व्यूवर्स हैं, मिलियंस में व्यूवर्स हैं, वो मुझे देखते हैं, इसलिए मैं काम करती हूँ। उनकी सोच अच्छी है, वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो उनके बारे में तो कहना ही नहीं चाहूँगी। उन लोगों का मुझे लगता कोई वजूद ही नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है, इसलिए वो लोग मुझे एक बात कहते फेमस होने के लिए। आप मुझे बताइए, मुझे कौन नहीं जानता, फेमस होने की डेफिनेशन क्या है, फेमस होना किसे कहते हैं? फेमस होना यानी एक पहचान मिलना इंसान को, उसकी पहचान सब लोगों तक पहुँचना। मैं तो ऑलरेडी फेमस हूँ, मुझे तो हर कोई जानता है, तो मुझे और क्या क्या फेमस होना है मुझे। बिग बॉस में जब आप गए थे तो लोगों ने कमेंट किए थे कि तो चप्पल कांड काम आ गया, चप्पल कांड आपने किया था तो बिग बॉस में शामिल हो गए, तो क्या उसमें उसकी भूमिका थी? क्या मैं पहले अभिनय क्षेत्र में नहीं थी? क्या लोग पहले मुझे नहीं जानते थे? क्या पहले नहीं जानते थे? पहले भी मैं जो जी टी वी दुनिया भर में चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है, कितने सारे चैनल्स हैं जी के, जिंक पे, जूम पे, जी पे, सब जगह मैं काम कर चुकी हूँ, एबीपी न्यूज़ पे, स्टार प्लस पे और आज तक पे, सब कई चैनल्स पे काम कर चुकी हूँ। और कितने सारे एड्स मैंने होम शो पेटिन पे, कितने सारे एड्स देशों विदेशों में पहुँचे हैं, वो मुझे कितने लोग जानते हैं, पूरे 20 साल में मैंने कितने एड्स किए हैं, कितने जगह पे मेरे होर्डिंग्स बैनर लगे हैं। तो मुझे कि मेरे को कहीं पहचान और बनाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं, मुझे मेरी पहचान ऑलरेडी बनी हुई है। बिग बॉस का मुझे ऑफ़र मिला, भाई मैं दो फील्ड में एक साथ हूँ, कोई किसी को चप्पल मारने से कोई बिग बॉस का ऑफ़र नहीं मिलता। बिग बॉस का ऑफ़र मिलता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो अपनी बात रख सके, इसलिए मुझे बिग बॉस का ऑफ़र आया। और बिग बॉस देश का नंबर वन शो है, उसमें जाने के बाद क्या मुझे प्रसिद्धि की ज़रूरत है? मेरी प्रसिद्धि तो ऑलरेडी है, मुझे तो ऑलरेडी लोग जानते हैं। अब ऐसा है कि लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मेरे पति का नाम उछाल दिया जाता है, मेरे हस्बैंड की नेचुरल डेथ हुई उस पे कहा जाता है कि इसके हस्बैंड ने सुसाइड किया इसकी वजह से। मेरे हस्बैंड ने मेरी वजह से सुसाइड किया होता तो क्या मैं आज यहाँ बैठी होती? मुझे घर वाले घर से नहीं निकाल देते, मेरे क्या आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा ससुराल पक्ष का मेरे को इज्जत सम्मान देता अगर ऐसा होता तो? और इन लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें जो ये लोग ये फालतू की बात करते हैं, इसका जवाब तो मैं इनसे मांगूंगी। इतनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी सोनाली फोगाट हैं, तो कभी कभी लगता है कि ये पॉलिटिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट में आ गई, तो ये तनाव देती हैं चीज़ें, जैसे दो दिन पहले का जो प्रकरण जिसके बारे में हमने चर्चा शुरू की थी, तो कभी कभी तनाव आता है इन चीज़ों से? देखिए, मुझे खुशी होती है कि मैं राजनीति में काम कर रही हूँ। पहले तो सिर्फ शौक शौक में, जैसे मैं मॉडलिंग के दिनों में शौक शौक में राजनीति में सुमित्रा महाजन जी के साथ काम की शुरुआत की, शौक शौक में चली गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ चीज़ें समझाई सिखाई कि आप अगर राजनीतिक फील्ड में जा रही हैं तो समाज के लिए अच्छा करना, कुछ किसानों के लिए अच्छा करना, वही आपके काम आएगा। तो मैं करते करते यहाँ तक पहुँच गई 15 साल में, तो मुझे अब मज़ा आता है काम करने में। जब लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ, तो खुशी होती है मुझे, कोई तनाव नहीं है। तनाव होगा तो मुझ पे कोई बंदिशें थोड़ी हैं कि मैं इसको छोड़ूँ ना, कोई तनाव नहीं है। कुल मिला के कोई तनाव नहीं है और कोई उड़ता तीर नहीं लिया। वो कहा गया था जिन लोगों के लिए कहा गया था, उन्होंने कह दिया कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कहा गया था, जिन्होंने जो उस दिन घेराव किया था, नारेबाजी की थी, उनके लोगों के लिए, उनके संदर्भ में इनका कहना है कि उनके संदर्भ में था, किसान के लिए इन्होंने नहीं कहा था। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बेबाकी से अपने कमेंट जरूर लिखिए नीचे। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।